नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं नवरात्रि का त्यौहार के बारे में। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा खास ही माना जाता है, और खास इसलिए माना जाता है कि 9 दिनों की पूजा में सभी लोग उपवास रखते हैं और बड़े उत्सव के साथ इस त्यौहार का आवागमन करते हैं। यानी कि इस त्यौहार को बहुत ही खुशी से मनाते हैं और खुशी के साथ साथ अपने घर में उस माता को भी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से अपने घर में शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति चाहते हैं। दुर्गा माँ की स्थापना भी करते हैं। कुछ लोग अपने घर में दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं और दुर्गा माँ की स्थापना के साथ साथ उनकी रोज की उपासना करते हैं। कुछ लोग उतरते और चढ़ते व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग नवरात्रि के 9 के उपवास रखते हैं, यानी कि 9 दिन तक वह उपवास रखते हैं। लेकिन उपवास रखने के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं, यदि वह करते हैं तो उसके उन्हें गलत प्रभाव मिलते हैं। जिस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 9 व्रत रखे हैं, तो वह कार्य कभी नहीं बन पाता। तो आज जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं, यदि वह करते हैं तो उनके उपवास में आता है खंडित, यानी कि उनका उपवास हो जाता है खंडित। तो जानते हैं आज इस वीडियो के दौरान। नंबर 1, यदि आप उपवास रख रहे हैं और आप लड़के हैं, तो उपवास रखते समय आपको ये खास ख्याल रखना होगा कि आपको बिल्कुल भी आप अपनी दाढ़ी या फिर बाल बिल्कुल ना कटवाएं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप दाढ़ी मूछ कटवाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर जीवन पर गलत असर पड़ता है। जिस कार्य की प्राप्ति करने के लिए आपने ये उपवास रखे हैं वह खंडित हो जाते हैं। नंबर 2, आपको सात्विक भोजन खाना है। 9 दिनों तक आप बिना लहसुन प्याज के ही खाना खाएंगे। अगर आप 9 व्रत रख रहे हैं तो आपको तो जरूरी है कि आप 9 दिनों तक बिल्कुल ही सात्विक भोजन खाएंगे। अगर हो सके तो आप फलहार पर भी रह सकते हैं, यानी कि फल खाकर ही रह सकते हैं। आप कोई भी अनाज से संबंधित कोई सामग्री नहीं लेंगे। नंबर 3, यदि आप चाहते हैं कि माता खुश हो, माता खुश होने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो, तो आप इच्छा पूर्ति के लिए अपने घर में अखंड ज्योत जला सकते हैं, लेकिन उसका संकल्प बिल्कुल ना लें। आप अखंड ज्योत जलाएं और अखंड ज्योत जलाते समय ये ध्यान रखें कि आप अखंड ज्योत को बिल्कुल भी घर में अकेला ना छोड़ें। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति अखंड ज्योत के पास रहना जरूरी है। अखंड ज्योत आप तेल या घी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप अखंड ज्योत को जला सकते हैं। नंबर 4, यदि आप चाहते हैं कि माता आपके घर पर आगमन करे और हमेशा आपके घर में ही रहे, तो आप अपने घर में कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से माता ना प्रसन्न रहे, यानी कि आप अपने घर में नाखून तक नहीं काट सकते। नवरात्रि में नाखूनों को काटना अपशगुन माना जाता है और नाखूनों को काटना नकारात्मक के रूप में हम प्रकट करते हैं। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक नाखून नहीं काटते तो आपके घर में हमेशा खुशी भरा माहौल रहेगा। नंबर 5, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता का प्रवेश हो, उसके लिए आप अपने घर में लोटा भरकर जल और नारियल भी रख सकते हैं। नारियल को व्यक्ति का मस्तिष्क के रूप में प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी है तो उस व्यक्ति के क्रोध के लिए हम नवरात्रि के 9वें दिन पर उस नारियल को फोड़ के उसका घमंड हम चकनाचूर कर देते हैं, इसलिए हम नारियल को नवरात्रि के दिनों में लोटे के ऊपर रखते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे कार्य, यदि आप करते हैं तो इसके आपको गलत असर मिलते हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे आप करने से अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं। तो आप ये कार्य बिल्कुल ना करें जो आपके घर में आप शगुन लेकर आएं या फिर दरिद्रता फैलाएं। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें इस नवरात्रि, और इस नवरात्रि पे आप अपने घर में खुश रहें और उसके साथ साथ अपने घर में माता का आवागमन करें। ऐसा करने से आपको खुशियाँ मिलेंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।